अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रुतबा खान किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मटर पनीर की रेसिपी, जो हम घर के इंग्रेडिएंट के साथ ही बना लेंगे आसानी से। तो हमने ले लिए हैं 2 बड़े प्याज, इसको इस तरह से रफली काट लिया है। 4 टमाटर ले लिए, इसको भी काट लिया है। और मटर ले ली हमने आधा कटोरी। और 250 ग्राम लिया हमने पनीर। थोड़ा सा लिया हमने हरी धनिया, इसको काट लिया है। 4 हरी मिर्च ले लिए और इसको 2-3 पीसेज में कट कर लिया है। तो यहाँ रख लिया हमने एक कढ़ाई, और इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑयल, और प्याज डाल देंगे हम। प्याज को करेंगे हम हल्का सा गोल्डन फ्राई। तो यहाँ प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब डाल देंगे हम इसमें टमाटर। ये हमने 4 टमाटर लिए थे, आपके पास रेड कलर के हों तो वो डाल दें, वो ले लें टमाटर। और हरी मिर्च डाल दी हमने, ये 4 हरी मिर्च को इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया था। और थोड़ा सा डाल दिया हमने नमक, और इसको हम भूनेंगे हल्का सा, गलने तक इसको भूनेंगे। और कवर कर देंगे हम 5 मिनट के लिए, स्लो फ्लेम पर 5 मिनट इस तरह से कुक कर लें। और ये हमारी मटर पनीर की ग्रेवी का बेस बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हमने मिक्सी में डालकर पीस लिया है, और ये हमारा बेस तैयार है मटर पनीर का। और हमने सेम कढ़ाई में डालेंगे 3-4 चम्मच ऑयल, और 1 छोटे चम्मच डाल देंगे जीरा। जीरा अच्छे से तड़क गया है, तो इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर हम कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो पनीर का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। और हमने जो बेस बनाया था, मतलब जो प्यूरी बनाई थी हमने, वो डाल देंगे और इसको भूनेंगे हम। और ये देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च ऑयल में डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, और ये देखने में बिल्कुल बाज़ार रेस्टोरेंट जैसा लगेगा। तो कंटिन्यू हम इसको भूनेंगे, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक हमने प्यूरे में भी ऐड किया था। और इसको हमें खूब भूनना है, जब तक इसमें ऑयल ऊपर से सेपरेट ना हो जाए, मसाला अच्छे से भुना जाए, क्योंकि हमारा मेन जो है वो ये ग्रेवी का मसाला है। यही अच्छे से भुनेगा तो हमारी जो मटर पनीर की सब्ज़ी है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो 1 चम्मच डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको आप स्टार्टिंग में ही डाल दें जब आप मसाला डालें, क्योंकि मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने इसमें बाद में ऐड किया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं मटर, ये 1/2 कटोरी हमने फ्रोजन मटर लिए हैं। अगर आप कच्ची मटर ले रहे हैं तो आप मसाले के साथ ही मटर को डाल दें, उसी के साथ ही ये भुन जाएगी और गल जाएगी। तो अब डाल दूंगी मैं इसके बाद ये पनीर, मसाला अच्छे से भुन चुका है और मटर हमने डाल दिए। तो अब ऐड कर देंगे हम इसमें पनीर और मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे हम पानी, 1/2 कप डाल दें पानी। और अगर ग्रेवी थोड़ी थिक लगे तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। और 2-3 मिनट हम इसको पकाएंगे, ताकि जो मसाले अच्छे से पनीर में कोट हो जाए, इसका टेस्ट जो है, इसका फ्लेवर पनीर में आ जाए। कवर कर 2-3 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए, ऑयल सरफेस हो गया है ऊपर, और ये इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो बिल्कुल हमारा मार्केट जैसा मटर पनीर लग रहा है बिल्कुल। और घर के मसालों से ही हमने कितना अच्छा और कितनी इजीली मटर पनीर बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसमें डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 करेंगे। फ्लेम को हमने अब स्लो कर रखा है। थोड़ा सा हरी धनिया ऐड कर देंगे कटा हुआ, अगर आपको मटर पनीर बनाना नहीं आता हो तो आप इस तरीके से बनाएं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनेगा और सभी को घर में बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए, हमारा मटर पनीर बनकर एकदम तैयार हो गया है। ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है। तो चलिए, सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। और ये देखिए, कितना टेस्टी, कितना मज़ेदार, कितना यमी और कलरफुल हमारा मटर पनीर दिख रहा है। तो आप भी इसी तरह बनाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, तो मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।